आशीष का कारण था क्योंकि उसकी बागडोर एक अभिषिक्त व्यक्ति के हाथ में थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के इंतजाम को, उसके ब्लेसिंग्स को आप कभी भी तुच्छ ना जाने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया, लेकिन आगे जाकर जब फैरो का मन कठोर हुआ कि इसराइलियों की गिनती बढ़ रही है, कहीं ये हमारे देश के ऊपर हुकूमत ना करने लग जाए, मन कठोर हो गया और वो इसराइलियों को सताने लगे। और जब इसराइली निकले, मिस्र बर्बाद हो गया, मिस्र तबाह हो गया, क्योंकि इसराइलियों के कारण ही यहोवा ने मिस्रियों को ब्लेस किया था, आशीष दिया था। और जैसे ही वो निकला, मिस्र क्या हुआ? यीशु मसीह के अधीन रहें। हालेलुया। अपने दुश्मन की बात को ना सुने जो बाइबल कहती है, उसके ऊपर ध्यान लगाए जो उसका वचन कहता है, उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ा के रखें। आप बढ़ेंगे, आप फूलेंगे, आप फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो एक बड़ा प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए है, वचन है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि जब कुछ होने वाला होता था, वो अनुभव एक भविष्यवक्ता के ऊपर आ जाता था। और पिछले हफ्ते में आपको बता रहा हूं, मैं एक बड़े युद्ध में था, बड़े युद्ध में था, और बिल्कुल मैं वैसे महसूस कर पा रहा था कि कैसे मैं ऐसे झगड़ा हूं जैसे लोग झगड़ जाते। मैं स्पीक को कर रहा था कि कैसे लोग ऐसे झगड़ जाते हैं कि प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसे निराश हो जाते हैं जैसे ही कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। जीसस। अभी अभी तो वो बड़ा युद्ध लड़के आए हैं, बहुत कुछ हासिल कर लिया, बड़े बड़े भयानक दिन देख के आए हैं, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे लगता सब कुछ तमाम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई आशा कोई उम्मीद बाकी नहीं। ऐसा स्प्रिट आकर, एक निराशा आकर जकड़ लेती है। हालेलुया। लेकिन आज हमें सीखना है कि कैसे हम उसके ऊपर फतह पाए, कैसे हम उसके जुंगल से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं क्वेश्चन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 37:4-5 को, भजन संहिता 37 उसके 4-5 को। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, अपने मार्ग की चिंता, हाँ अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किसके ऊपर छोड़नी है? किसके ऊपर छोड़नी है? किसके ऊपर छोड़नी है? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने मार्ग की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने काम की चिंता, अपने जीवन की चिंता यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा भी रख, वही पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? वही पूरा। कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? आप पूरा नहीं कर सकते, आप कुछ भी बदल नहीं सकते, एक बाल ना काला कर सकते हैं ना सफेद कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा सब कुछ कर सकता है। अपनी सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, बस अपनी सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। आपका भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं है, आपका विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं है। इंसान अगर धोखा देने की प्लानिंग भी कर रहा हो, अगर भरोसा यहोवा के ऊपर है, वो धोखा नहीं दे पाएगा, वो आपको चल नहीं पाएगा, वो आपके साथ जीवित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका भरोसा इंसान नहीं यहोवा पर है। भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो जिसका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। वो धन्य है, वो धन्य है, जिसके पास अकाल के दिनों में भी उसे चिंता नहीं होती, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उसे कभी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है।
आप में से बहुत सारे लोग सूख चुके हैं। जिस बुलाहट से, जिस दर्शन से मैं बुलाया गया था, पहले तो मैं बड़ा इस्तेमाल होता था, आज नहीं हुआ। पहले तो मेरा काम ऐसा था, आज ऐसा हो गया। आज मैं जॉबलेस हूँ, आज मेरे पास सिर नहीं है, आज मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे परिवार में ऐसा चल रहा है, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है। बस ये जनता आपको खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है, आपको नीचे धकेल दी जा रही है, आपको दबाई जा रही है। हालेलुया। आपको पता है ये जो चिंता है, एक चिंता की गंदी आत्मा है, एक निराशा की गंदी दुष्ट आत्मा है, जो जब आती है तो सारे पिछले परमेश्वर के कामों को भुला कर रख देती है। आपको याद नहीं रहता कि परमेश्वर ने पहले मेरे जीवन में क्या किया था? जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी समस्याओं से, इतनी बड़ी बीमारियों से बचाया, इतने बड़े रोगों से बचाया, इतनी बड़ी कंगाली और गरीबी से उठाकर यहाँ ले आया, उस समय कुछ भी याद नहीं रहता। उस समय बस वो चिंता ऐसा दबा लेती है कि कुछ समझ नहीं आता, वो विरोधी के समान आ जाएगी, आपको घेर लेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हथियार आपके पास है। मैं चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 5 वचन को, सुने, दो गवाहों को के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि दो गवाह वो गवाह हैं जो परमेश्वर के राज्य की गवाही दे रहे हैं, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, और वो जब कहते हैं आकाश बंद हो जाए, आकाश बंद हो जाता है, जब वो कहते हैं कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाती है, जो जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है, वो खुलाम सुना रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं। लेकिन जब वो गवाही दे रहे हैं, विरोधी शांत नहीं है, दुश्मन शांत नहीं है। जब हम शत्रु के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, शत्रु शांत नहीं होता। अब खड़े होना हो तब भी शांत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है वो गरजने वाले शेर के समान है, कब किसको वार खाए। इसलिए अच्छा है उठो और शत्रु को दबा डालो, उसे मार दो, उसे कुचल दो, उसे रांध दो, उसके ऊपर जय हासिल कर लो। परमेश्वर के राज्य का कलाम सुना रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं, तो इनके जो विरोधी हैं इनको हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने क्या लिखा है? यदि कोई उनको हानि पहुंचाना, उनको हानि पहुंचाना चाहेगा है तो उनके मुंह से, उनके मुंह से बाहर निकल कर क्या निकल रही है बोलो, क्या निकल रही है बोलो, क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, आग निकल के क्या कर रही है, उनके बैरियों को भस्म कर रही है, बैरियों को भस्म कर रही है, दुश्मनों को भस्म कर रही है। आपको पता है जब आप संहिता के अंदर पढ़ेंगे, लिखा है जब यहोवा चलता है
वचन आपके पास है, वचन आपके पास है। बोला गया है, बोला गया जब चिंता का अटैक हो क्या कहेंगे, लिखा है पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, एक स्वामी कौन है और दूसरा स्वामी परमेश्वर है। हालेलुया। अब धन और परमेश्वर की सेवा, धन और परमेश्वर की सेवा, जब आप धन की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपके पीछे नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। यूसुफ ने कभी धन की सेवा नहीं की, उसने तो परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। धन तो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर के बाएं हाथ में धन है और दाएं हाथ में दीर्घायु है। हालेलुया। तो आप धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको चुनना पड़ेगा किसकी सेवा। इसका अर्थ ये नहीं जॉब छोड़ के बैठ कर प्रार्थना करो, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब गुलाम मत बनो धन के, अब धन के लोभी मत बनो, आप उसके पीछे मत भागो। आपके पास एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिससे आपको मांगना है, पिता तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। संसार तो कह रहा है आज मैं जॉबलेस हूं, पर मैं विश्वास से देख रहा हूं मेरे पास जॉब है। संसार तो कह रहा मेरे पास धन नहीं है, मेरी परिस्थितियां तो कह रही मेरे पास कुछ नहीं, पर मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ है। वो चर्च नहीं आ पाते, वो प्रार्थना नहीं कर पाते, वो वचन नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि धन उनके दिमाग में भरा रहता है। उनको रात को भी नींद नहीं आती, कहीं कोई मेरा बैंक लूट ना ले, कहीं मेरे घर में टाका ना पड़ जाए, कहीं कोई लूट कर ना ले जाए, उनके दिमाग में ये चलता है। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो आराम से सोते हैं, उनके घर में शांति बनी रहती है और परमेश्वर उनकी जान और माल और सारी चीजों की रक्षा करता है। दूसरे को चिंता ना करें, चिंता ना करें। आपके पास वचन रूपी हथियार है, आपके पास वचन रूपी आग है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 25 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना बोते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम काम तो करते हो लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करती, तुम्हें ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखना है कि काम तो मैं कर रहा हूं पर देने वाला मेरा परमेश्वर ही है, बढ़ाने वाला मेरा पिता ही है। जब तक वो मुझे स्वर्ग से न दे मैं कुछ भी पा नहीं सकता, जब तक वो मेरे लिए नहीं करेगा मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ संगति 33 वचन को पढ़े, 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की हाँ खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, वचन कहता है तुम राज्य की खोज करो, तुम धर्म की खोज करो, तुम यीशु मसीह की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ।
बहुत सारी गवाहियां यूट्यूब के ऊपर है, आपने सुनी भी होंगी, मैं आपको बताता हूं। जब आप सुबह से शाम तक काम की तलाश में जाओगे या सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो शाम को निराशा हाथ लगेगी। क्या लगेगी? और संडे को जब तुम्हें चर्च आना होगा, उसी दिन तुम्हें काम मिल जाएगा, उसी दिन काम आ जाएगा तुम्हारे पास। हालेलुया। और तुम काम की तलाश में जाओगे फिर परमेश्वर से दूर। हालेलुया। सुबह से शाम तक जब तुम काम करोगे, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे और शाम को आके थक के चूर हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ, तुम निराश और मायूस और हताश होते जाओगे। लेकिन जब तुम भोर को उठो और प्रार्थना में घुटने टेको, उसके सामने घुटने टेको, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ आज तू मेरे लिए अद्भुत करने वाला है, आज तू मेरे लिए अद्भुत इंतजाम करने वाला है, आज तू मेरे लिए अद्भुत करने वाला है। उसे धन्यवाद देना शुरू करो। हो पिता, तूने मेरे दिन भर की रोटी मुझे दे दी है, आज तूने दिन भर के लिए इंतजाम कर दिया है, उसे धन्यवाद देना शुरू करो। अब बाहर निकलेंगे ना काम की तलाश में, चीजों की तलाश में, चीजें आपकी तलाश में होंगी, वो आपको ढूंढ रही होंगी, वो आपके पीछे आएंगी, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। क्यों क्यों ढूंढते हुए आएंगे? क्योंकि तुमने राज्य की खोज करी, तुमने धर्म की खोज करी, तुमने परमेश्वर की खोज करी। और जो परमेश्वर की खोज करता है उसके पीछे चीजें आती है, उसे चीजों के पीछे नहीं जाना, चीजें उसके पीछे आती है। आपको ऐसा दबाना चाहती है कि आप उठ ना पाओ, आप गरीबी से ना उठ पाओ, आप अपनी समस्याओं से ना उठ पाओ, वो ऐसी बीमारी आपके अंदर लाना चाहती है, ऐसे रोग आपके अंदर लाना चाहती है, आपका फल आपके अंदर से खत्म करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको उठाना चाहता है, इसीलिए वो अपना कलाम भेज देता है और गड्ढे में से बाहर निकालता है। संसार की चिंता क्या है? एक दुष्टात्मा है। अब वही दुष्टात्मा ना समझे कि जो दुष्टात्माएं होती है, ऐसी दुष्टात्माओं से एक अच्छा खासा अभिशप्त भी ग्रस्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये दुष्टात्मा प्रॉपर आगे कैसे कंट्रोल नहीं कर लेती, ये विचारों में कार्य करती है। कैसे काम करती है? कैसे काम करती है? ये विचारों में काम करती है, विचारों में रैंप चलता है, विचारों में आता है सीधा, और जब उस विचार को आप ग्रहण कर लेते हो तो बस उसको मौका मिल जाता है और वो आपको ऐसा जकड़ती है कि फिर आप उठ नहीं पाते। हालेलुया। तो लिखा है संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समा जाता है और वचन को दबा देता है और उन्हें निष्फल कर देता है कि वो फल लेकर ना आ सके। हालेलुया। तो जब वो विचार आएंगे तो उसका सामना भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए विचारों से ही आपको करना होगा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों से ही आपका उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो विचार आएंगे कीड़े मकोड़े और गंदगी और अंधकार की तरह, तब परमेश्वर का वचन जो आप बोलोगे एक आग की तरह जाएगा और उसको भस्म कर देगा, उस विचार का वो खंडन कर देगा और आप फिर से उठ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर निराशा के लिए, हर चिंता के लिए मेरे पास एक आत्मिक हथियार है। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, उसने देखा उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकल रहा है, वो अग्नि में तलवार निकल रहा है, वो अग्नि में तलवार भेजता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु, जाने वचनों, इस वचन की आग को इकट्ठा करें अपने अंदर,
और ऐसी सिचुएशन में इन वचन की आग को लेकर आप बाहर निकलेंगे। उस विरोधी की बात को मत सुने जो आपके दिमाग में लाकर गलत चीजों को ला रही है, गलत चेल्सी को लेकर आ रही है। एक होती है चेल्सी, चेल्सी में क्या करता है इंसान दूसरे को दबा के उठना चाहता है, क्या करता है दबा के उठेगा। अब सामने वाला अच्छी आराधना कर रहा है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा मैं और अच्छी आराधना करूं, नहीं वो उसको दबाकर उसको गिराकर उठना चाहिए, ये रहेगा नहीं ना तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे कंपटीशन दुकानों में होता है, अगर ये दुकानदार नहीं होगा ना तो मेरा काम फिर जाएगा, नहीं ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर एक ऐसा एक डा होगा, बोलो डा, एक ऐसा आपके अंदर होगा कि अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में 5 आत्मा लेके आ रहा है ना तो मैं 10 लेकर आऊंगा। अगर ये अच्छी आराधना कर रहा है 4 घंटे प्रार्थना करना है मैं 5 घंटे करूंगा। अब बढ़ने की उम्मीद होगी आपको, हालेलुया, कि मैं और बढ़ चढ़ के परमेश्वर के राज्य में काम करूं। जो राहेल थी ना जब लिया बच्चे पैदा कर रही थी, जल नहीं रही थी लिखा बाइबल में, नहीं जल नहीं रही, उसको था लिया तो बच्चे पैदा कर रही, मैं क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों नहीं कर रही। उसने उसके लिए रोना चालू किया, प्रार्थना करनी चालू की, ये नहीं अपनी बहन को उसने गिरा दिया काट दिया, नहीं उसने गुड़गुड़ा परमेश्वर से मांगना चालू किया। एक दिन बाइबल में लिखा वो दूधा फल लिया का बच्चा लेकर आ रहा था, उसने दूधा फल ले लिया, और आपको पता उसने दूधा फल लेकर क्या किया, उसने जाकर परमेश्वर की वेदी के ऊपर उसको रख दिया था। उसने पति को नहीं दिया खाने के लिए, उसने उस दूधा फल को ले जाकर वेदी के ऊपर रखकर आंसू बहाए, और जब परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा उसकी गर्भ को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब छोटे मोटे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ उसके कंट्रोल और उसके नियंत्रण में है। हालेलुया, वो सारी चीजों को करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस जेलसी और ऐसी गंदी आत्मा में ना फंसे, इस चिंता और निराशा की दलदल में ना फंसे। कोई आपसे आपकी सेवा को नहीं छीन सकता, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो मार्ग आपके लिए खोला गया, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, जो वरदान परमेश्वर ने दिए कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ आप ही अपने आप को दबाते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को नीचे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक क्वेश्चन और पढ़े फटाफट से, 5:28 एक औरत है यहाँ पर 12 साल से बीमार, कितने साल से 12 साल से लहू बह रहा है, वैद्यों से दिखा इलाज करा करा के सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब शरीर में इतनी भी जान नहीं रह गई कि वो चल सके, वो उठ के बैठ सके, इतनी भी ताकत नहीं है उसके अंदर। और ऐसी हालत में लोग हाय मैं मर गई, मैं मर गई, सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव ही निकलता। हाँ, जुबान तो आपकी है, क्या निकालना आपके ऊपर, लेकिन इसने हाय मैं मर गई नहीं बोला, हाय कोई मेरे पास नहीं है ये नहीं बोला, हाय मेरा सब कुछ लुट गया नहीं बोला, हाय मेरे पास अब कुछ नहीं है मैं तो मरने की कगार पे नहीं बोला। अरे बोलना तो है ही, हालेलुया, बोलो बोलना तो है ही, क्यों ना परमेश्वर का वचन बोले, छुटकारा दे सकता है, जो आजाद कर सकता है। इसने अपने मन में क्या बोला, पढ़े, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलना तो है ही, देखो नहीं बोलते, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसकी उपस्थिति में पहुंच जाऊंगी, यदि आज मैं प्रार्थना के द्वारा उसे खुश कर दूंगी, आज मेरे बंधन टूट जाएंगे। एक विश्वास ले ले, क्यों नहीं हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते, क्यों नहीं उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते। क्योंकि जब ये बार बार सचिन को बोल रही थी, यही
इसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची, लेकिन जैसे इसने फूलना शुरू किया, जैसे इसने फूलना शुरू किया, इसके अंदर सामर्थ आना शुरू हुआ। वो सामर्थ आई कि ये यीशु के पास पहुंच पाए, वो सामर्थ आई जिससे ये यीशु मसीह के पास जा पाए। आपको पता है यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, हजारों लाखों की भीड़ यीशु के पीछे है, और एक ऐसी औरत जिसमें जान नहीं बची कैसे यीशु को छुए। चेले कहते हैं प्रभु भीड़ तो उसमें गिरी पड़ती है, लेकिन एक सामर्थ, एक सामर्थ जो उसने बोला है, जो बीज उसने अपने अंदर बोया है, वो बीज एक सामर्थ के रूप में काम कर रहा है, वो बीज एक सामर्थ के रूप में काम कर रहा है, वही उसे फल दे रहा है, वही उसे सामर्थ दे रहा है, और वही उसे यीशु के पास लेके जा रहा है, वही उसे यीशु मसीह के पास लेके जा रहा है। और जैसे ही वो यीशु के पास पहुंची, उसने पल्लू को छुआ, एक सामर्थ निकली, और वो अपनी बीमारी से छूट गई, अपनी कमजोरी से छूट गई, अपनी दुर्बलता से छूट गई, अपनी बीमारी से छूट गई। वही सामर्थ आज यहाँ काम कर रही है, वही मेरे बाप का आत्मा आज यहाँ है, यदि आप निराशा की नजर में है।